सुप्रीम कोर्ट विशेषज्ञ कमिटी रो क्लीन चिट अर्थ हेरफेर ने कौनसी प्रमाण नहीं यहा सह बेआईन अर्थ नेणदेन ने कौनसी नियम उल्लंघन होइथिबार प्रमाण मिलिनथिबा कहिछन्ति सुप्रीम कोर्ट को विशेषज्ञ कमिटी हिंडेनबर्ग रिपोर्ट को नहीं अदानी ग्रुप रो विदेशी लिंक रो प्रमाण खोजिबारे मार्केट रेगुलेटर असफल रहिथिबा रिपोर्ट रे उल्लेख करिछन्ति सुप्रीम कोर्ट कमिटी विशेषज्ञ कमिटी रिपोर्ट अनुसार हिंडेनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आसिबा पूर्वरु अदानी ग्रुप रो स्टॉक रे शॉर्ट पोजीशन को आनिबा को प्रयास करा जाइथिबार प्रमाण रहिछि किंतु यहाको साधारण रे प्रकाश करा जाइनी तबे यहाको नै कुहाजाई परिबनी जे आर्थिक हेरफेर रो कारण नियमावली रे विफलता बोली कहिछि विशेषज्ञ कमिटी नेट रिजल्ट और द नेट कंक्लूजन ऑफ द रिपोर्ट इज कंप्लीटली इन फेवर ऑफ द अडानी ग्रुप द रिपोर्ट हैज फाउंड that there is no stock price manipulation by the Adani group. It has also found that there is no violation of related party transactions. It has also found that minimum public shareholding requirements of SEBI are well maintained and there is no violation. Aur sabse ahem baat jo committee ne find kari hai wo ye hai ke अडानी ग्रुप के शेयर की प्राइसेस स्टेबल हैं वो 24 जनवरी के पहले की प्राइसेस तो नहीं है लेकिन जहां पर भी हैं वो स्टेबल हैं समान प्रतिष्ठान मध्यरे कोनोसी प्रकार स्टॉक को नहीं आर्टिफिशियल ट्रेडिंग किंबा वास्ट ट्रेडिंग होइ नथिबा कमिटी रिपोर्ट रे उल्लेख रहिछि खुचुरा निवेशकों को पाई अडानी ग्रुप पक्षरु सबुबेले आवश्यक पदक्षेप न्या जाइछि सेतिपाई तथ्य कहुछि जे जनवरी 24 रिपोर्ट परे मार्केट रे समिति अस्थिरता देखा दिनथिला ओलटा सेबेठू खुचुरा निवेशकों को संख्या बहु गुणा बढ़िछि रिपोर्ट रे स्पष्ट भावे कहा जायछि जे स्टॉक मार्केट रे स्थिरता आनिबाकु होइथिबा प्रयास जोंगु एबे बाजार स्थिति सुदृढ रहिछि नियमावली रे कोनोसी प्रकार उल्लंघन होइनथिबा कमिटी पक्षरु स्पष्ट करा जायछि जने व्यक्तिर आर्थिक स्वार्थ रक्षा पई समस्त नियमर पालन करा जायछि यहा सह सेबी पक्षरु थिबा नियमावली को आहुरी कडाकडी करबा को प्रस्ताव दिया जायछि अडानी ग्रुप पक्षरु कोनोसी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होई नहीं अडानी ने हमेशा ये मेंटेन किया है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो है वो खुद ही मोटिवेटेड है उनका काम ही ये है कि पहले एक क्राइसिस क्रिएट किया जाए उस टाइम पे शॉर्ट सेलिंग करी जाए फिर सस्ते में खरीदा जाए और महंगे में बेचा जाए ये हिंडनबर्ग का काम है और ऑब्वियसली हिंडनबर्ग से या जान के या बगैर जाने ये रिपोर्ट हिंडनबर्ग की जो आने वाली थी वो कहीं ना कहीं लीक हुई है लोगों ने इसका अनऑथराइज फ़ायदा उठाया है लेकिन इस फायदे से अडानी का कोई कंसर्न नहीं है ये भी एक क्लियर फैक्ट है प्राथमिक भावे नियम उल्लंघन नै कोनोसी प्रमाण मिलिनथिबा बेले हिंडेनबर्ग रिपोर्ट परे अडानी ग्रुप रो खुचुरा शेयर बिक्री बढ़िछि सेबी निकटरे 13 विदेशी संस्था रो कोनोसी तथ्य नथिबा रिपोर्ट रे उल्लेख रहिछि अडानी ग्रुप विरोध रे जनवरी मास रे अमेरिका रो शॉर्ट सेलर हिंडेनबर्ग रिसर्च अभिजोग परे सरकार चिंता प्रकट करथिले अडानी ग्रुप विरोध रे आसिथिबा अभिजोग रे नियमावली रो उल्लंघन होइछि कि नै तार तदंत पई सुप्रीम कोर्ट एक कमिटी गठन करथिले अडानी ग्रुप को नै हिंडेनबर्ग रिसर्च अनेक परिचालनागत त्रुटि को दर्शाइथिला जाकु अडानी ग्रुप पक्षरु खंडन करा जायछि ब्युरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।